यहां पर एक सींक के ऊपर पंखा टिका है और ग्लास में रखा है। पंखा घूमता तो है ही पर साथ साथ ग्लास का एक चक्कर भी लगाता है। इसको कहते हैं प्रिसिशन। इसको समझने के लिए आपको एक कांच का ग्लास चाहिए, एक लंबी नुकीली और पैनी सींक चाहिए और एक स्टिफ प्लास्टिक का आपको पंखा चाहिए। इस पंखे के अंदर 16 कट लगे हैं और सभी को मोड़ करके हमने ब्लेड्स बनाए हैं। इस पंखे के बीचों बीच एक छोटा सा छेद भी है। अब आप सींक को लीजिए, ये बिल्कुल नुकीली सींक है, और इसको पंखे के अंदर घुसा दीजिए, एकदम टाइट फिट हो। अब ये देखिए कि आप सींक को घुमाते हैं तो पंखा घूमता है। अब इस सींक और पंखे की असेंबली को आप कांच के ग्लास में रख दीजिए। देखिए इस सींक टेढ़ी होगी और जैसे ही आप इसको एक सीलिंग फैन के नीचे रखेंगे, पंखा गोल गोल तो घूमेगा ही पर साथ साथ वो गिलास का भी चक्कर लगाएगा, जिस तरह से एक तरह से जैसे डग्गा खा रहा हो, वॉबल कर रहा हो। और इसको कहते हैं प्रिसिशन। ये किसी भी पिंड की जो घूमने वाली अक्ष जब बदलती है तो उसको प्रिसिशन कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी में भी इसी तरह का प्रिसिशन होता है, वॉबल होता है, और जिससे हमारे जो ध्रुव हैं, उत्तर और दक्षिणी जो ध्रुव हैं, उनकी स्थिति 26,000 साल में बदल जाती है। यहाँ पर आप पृथ्वी के मॉडल को देख रहे हैं और उसकी अक्ष को देख रहे हैं, और जैसे जैसे वो इस तरह से घूमती है आप देखेंगे कि ऊपर एक बहुत बड़ा सा शंकु बना रही है, और उसको पूरा करने में उसको करीब 26,000 साल लग जाते हैं। और ये प्रिसिशन क्यों होता है, ये डग्गा क्यों खाती है, ये होता है पृथ्वी के ऊपर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण की वजह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस छोटे से मॉडल से आप हमारी पृथ्वी किस तरह से प्रोसेस करती है, डग्गा खाती है, उसको समझ सकते हैं।